अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं या फिर आपकी मेड बहुत ज्यादा एब्सेंट करती है तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है, पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू। मैं इसे पिछले 15 दिन से यूज कर रही हूँ, काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, फिर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की मैं बात कर रही हूँ वो कौन सा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आई लाइफ का A11 लाइडर नेविगेशन रोबोट वैक्यूम एंड मॉप। इसमें है 4000 पास्कल अल्ट्रा सक्शन पावर, 5200 mAh बैटरी कैपेसिटी और 2-in-1 डस्टबिन एंड वाटर टैंक। तो बॉक्स में आता है एक यूज़र मैनुअल, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसे ऑपरेट कैसे करना है। ये है इसका मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको मिल जाता है पावर बटन, इंफ्रारेड रिसीविंग सेंसर, लेजर रडार, बाउंड्री सेंसर और यूनिवर्सल व्हील भी। इसके साथ में इसमें आता है एक चार्जिंग डॉक और चार्जिंग अडैप्टर भी। डॉक पे ये खुद ब खुद चला जाता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी डेमो पे कि कैसे ये अपने आप को खुद चार्ज कर लेता है। साथ में आपको मिल जाता है ये दो टैंक, व्हाइट वाले में सिर्फ डस्ट कलेक्ट होगा और अगर आपको इसमें मॉपिंग भी करवानी है तो आप ये ब्लैक वाला यूज करिए, क्योंकि इसमें वाटर टैंक भी है तो डस्ट भी कलेक्ट होगा और आपके घर में पोछा भी लग जाएगा। तो इस 2-in-1 डस्टबिन एंड वाटर टैंक में ऊपर जो आप देख रहे हो ये वाटर टैंक का क्लिप है जिसमें आपको अंदर पानी भरना है। एक्स्ट्रा साइड ब्रश भी आपको दो मिलते हैं इस बॉक्स में और साथ में मिलता है दो रबर ब्रश भी। और ये है आपका डस्टर कॉम्पोनेंट और मॉप क्लॉथ, जिससे कि घर में पोछा होगा। मॉप क्लॉथ भी दो मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वॉशेबल है, तो आप देखोगे तो वेलक्रो से ये चिपका हुआ है, अगर आपको इसे वॉश करना है तो बस इसे निकालिए, वॉश करिए और वापस से लगा दीजिए। फिर मिल जाता है आपको दो फिल्टर साथ में और ये है रिमोट कंट्रोल। वैसे ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपके ऐप से भी चलेगा मोबाइल के, पर आप चाहो तो रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ये हो गया मेन बॉडी और मेन बॉडी में आपको मिल जाता है यहाँ पे क्लीनिंग टूल भी छोटा सा, जिससे कि आप इस मशीन को क्लीन कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको फिट करना है इसमें सब कुछ। तो यहाँ पे मेन जो ये है 2-in-1 डस्टबिन एंड वाटर टैंक, ये मैं आपको फिट करके दिखाती हूँ। तो बस इजिली क्लैंप है, उसको प्रेस करना है और अंदर फिट कर दीजिए। अगर आप पानी डाल रहे हो पोछा के लिए तो ये क्लिप को उठाना है और आपको इसमें पानी भी भर देना है। पीछे के साइड देखिए, यहाँ मेन बॉडी के व्हील्स दिया हुआ है और ये बीच में आपको लगाना है रबर ब्रश को। तो जो भी रबर ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं, दो दिया गया है, एक हार्ड सरफेस के लिए है और एक हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही सरफेस के लिए है। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ इसमें आप हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही सरफेस पे यूज़ कर सकते हो। तो बस इस तरीके से फिट कर देना है। अब अगर आपको पोछा करना हो तो कैसे इस मॉप क्लॉथ को लगाएंगे, तो बहुत आसान है। आपको मशीन को बिल्कुल भी लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा क्लॉथ वाला पार्ट नीचे के साइड होना चाहिए और इस तरीके से जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो ईजिली ये क्लैंप की तरह प्रेस हो जाता है और फिर आराम से निकल भी जाता है। तो निकालना और लगाना दोनों ही बहुत आसान है। तो ये तो हो गया कि बॉक्स में क्या क्या आता है, अब चलिए क्विकली बताती हूँ कि कैसे ये आपके घर को साफ करता है। तो यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया है और अब देखिए ये कैसे धीरे धीरे करके पूरे घर के डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेता है और बहुत अच्छे से साफ़ करता है। और इसे अच्छे से पता होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, वो घर को मैप करते वक्त ये देख लेता है कि कहाँ पे आपके टेबल्स हैं, कहाँ पे बेड है, कहाँ चेयर्स हैं। फिर ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों में टकराता रहता है, इसके जो सेंसर है वो इसको बता देते हैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, उससे दूर से ही ये निकल लेता है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि कोई ऑब्जेक्ट्स में नहीं टकराता। और देखिए कितनी आसानी से ये कारपेट के ऊपर भी चला जाता है और अच्छे से क्लीन कर लेता है। ऐसा नहीं है कि कारपेट है तो वहां नहीं चढ़ पाएगा, और कारपेट की क्लीनिंग ये ऑसम करता है।
अगर आपको मॉपिंग करनी हो तो बस यहाँ पे आपको पानी डाल देना है, तो जो भी इसकी टैंक कैपेसिटी है उतना ही पानी डालिएगा, ज़्यादा स्पिल मत करिएगा, और ये आराम से आपका पूरा घर पोंछ देगा। तो डालने के बाद में इस तरीके से आपको बंद कर देना है, और उसके बाद में देखिए इसने मॉपिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत अच्छे से मॉप करता है। और इसमें फीचर्स भी दिए हुए हैं ऐप में, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जिसमें स्पॉट क्लीनिंग वगैरह है, स्क्रबिंग वगैरह है, तो अच्छे से वो स्क्रब भी कर देता है और स्पॉट भी क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा गंदा इकट्ठा हुआ है, मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ। एक बार इसने पूरा घर किया और ये देखिए इतने बारीक बारीक कण है, गंदगी है, जो आप ऐसे नहीं क्लीन कर सकोगे अपने हाथों से। अभी यहाँ पे देखिए ये आई लाइफ का ऐप है, तो सबसे पहले दिन जब इसको मैं लेकर आई थी ना, इसने घर को पूरा मैप किया था। थोड़ा टाइम लगता है, आराम आराम से आपके पूरे घर को मैप करता है। लेफ्ट में जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये उस दिन की है जब वो मैप कर रहा था। और एक बार जब ये मैप कर लेगा ना, इसको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ बेड है, कहाँ सोफा है, कहाँ डाइनिंग टेबल है, सब इसको याद हो जाता है इसकी मेमोरी में। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं ऐप में, जैसे कि यहाँ पे आप सक्शंस बढ़ा सकते हो, सीपेज बढ़ा घटा सकते हो, और उसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रबिंग, जो मैंने कहा पोछा के टाइम पे स्क्रबिंग ऑप्शन चूज कर सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो एज ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन से वो सिर्फ एज क्लीनिंग करेगा, सेंटर में क्लीन नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पे स्पॉट क्लीन है, अगेन अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह क्लीनिंग करवानी हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो उस जगह को। अब अगर आप यहाँ पे एरिया चूज कर लोगे ना, तो उस पर्टिकुलर रूम के उसी एरिया को वो क्लीन करेगा। तो इस तरीके से आप उसको एरिया बता सकते हो जहाँ पे आपको मन है कि वो क्लीनिंग करे, तो बस यहाँ ऐड पे जाइए और एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी रूम में अगर आपको मन है कि वो क्लीन ना करे उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे आप इस तरीके से वॉल क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हो। जूम कर लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो वहाँ वो क्लीन नहीं करेगा। आप चाहो तो दिन में दो बारी क्लीन करवाना हो तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आपको इसे शेड्यूल टाइम पे करवाना हो, दिन में कितने बजे करवाना हो क्लीन, वो भी डाल दो आप और निश्चिंत हो जाओ। उसके अलावा आप मैन्युअली भी इसके साथ में काम कर सकते हो, अगर मान लो कोई भी एरिया पे आपको क्लीन करना हो, मैन्युअली प्रेस करो आप, वो भी काम करता है। मोबाइल ऐप में या रिमोट में कहीं पे भी अगर आप होम बटन दबा दोगे, इनफैक्ट मशीन के ऊपर भी होम बटन आप दबा दोगे ना, तो खुद ब खुद ये चार्जिंग डॉक तक चला जाएगा और चार्ज हो जाएगा। और जब इसे घर क्लीन करना होता है ना, उस टाइम पे भी पूरा घर की क्लीनिंग जब हो जाती है, तब ये ऑटोमेटिकली अपने चार्जिंग डॉक तक चले जाता है और जा कर के वहाँ पे चार्ज होने लगता है। तो मतलब आपको बार बार उसे वहाँ से उठाने की या वहाँ वापस रखने की कोई टेंशन नहीं है, क्लीनिंग करके वो अपने आप आ करके अपने क्लीनिंग डॉक पे यानी अपने घर पे आ जाएगा। देखा कितना आसान है से घर को साफ करना, आपको वैक्यूम क्लीनर की तरह खुद हाथ में लेके पीछे सफाई नहीं करनी है, बस ऐप में डाल देना है शेड्यूल टाइम, खुद ही आपके घर को साफ कर देगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, कभी भी बाहर जा रहे हो इवनिंग वॉक वगैरह के लिए या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए, उस टाइम पे शेड्यूल कर दीजिए, जब तक आप वापस आएंगे घर को पूरा ये चकाचक कर देगा। तो इनकेस अगर आपको लेना होगा तो लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो ये लेना कंसिडर कर रहा है या जिसे ये हेल्प कर सकता है, तो उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ, और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है और आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।